हेलो व्यूअर्स, तो आज की क्लास में हम फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट? तो यहाँ पर हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई ओवर थ्री इज इक्वल टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई ओवर थ्री फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू आर। और हमें यहाँ डेरिवेटिव दे रखा है एफ का एक्स इज इक्वल टू टू पर, जो कि लॉग टू है, राइट? और हमें शो करना है ई रेज टू एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू टू रेज टू एक्स, वेयर ई इज द एक्सपोनेंशियल नंबर, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फंक्शनल इक्वेशंस क्या होती हैं। फंक्शनल इक्वेशंस जो होती हैं वो एल्जेब्राइक इक्वेशंस की ही तरह होती हैं, लेकिन फंक्शनल इक्वेशंस में जो अननोन क्वांटिटीज होती हैं वो फंक्शंस होती हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, 2x - y इज इक्वल टू से 4, राइट? तो हम जब इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस को लिखेंगे, यानी कि x और y की वैल्यू हम जब लिखेंगे, तो x और y की वैल्यूज जो होंगी वो रियल नंबर्स होंगी, राइट? तो ये एक एल्जेब्राइक इक्वेशन है, और ये इक्वेशन जो हमें दे रखी है ये एक फंक्शनल इक्वेशन है। तो एल्जेब्राइक इक्वेशंस में जो अननोन्स होते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, राइट? जो अननोन्स क्वांटिटीज को हम फाइंड आउट करते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन फंक्शनल इक्वेशन में जो अननोन्स होते हैं वो फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शनल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम फंक्शन की फॉर्म को फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो जैसे यहाँ पर हमें ये फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ हमें एफ ऑफ एक्स की फॉर्म फाइंड आउट करनी है, राइट? और इस फॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, राइट? अब यहाँ पर जो हमें प्रॉब्लम दे रखी है उस प्रॉब्लम में हम इस वाली क्वांटिटी को देखते हैं, राइट? यहाँ एफ प्राइम ऑफ टू इज इक्वल टू लॉग टू दे रखा है हमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो डेरिवेटिव है एफ का, एफ प्राइम ऑफ एक्स, वो भी इन्वॉल्व है, राइट? तो हम एफ प्राइम ऑफ एक्स का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं इस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पर डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है फर्स्ट प्रिंसिपल वाली, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो यहाँ पर डेरिवेटिव दे रखा है एफ का, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो अगर हम डेरिवेटिव की जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाली डेफिनेशन है उसे यहाँ पर लिखते हैं, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, राइट? तो ये डेफिनेशन हमारी डेरिवेटिव की है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें एक क्वांटिटी दे रखी है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, राइट? और यहाँ पर जो फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस 3/2, राइट? तो हम कोशिश करते हैं कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच को इस फंक्शनल इक्वेशन की मदद से एक्सप्रेस कर पाएँ, राइट? तो एक्स प्लस एच को देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। तो एक्स प्लस एच को हम लिख सकते हैं 3 times x + h/3, राइट? बिकॉज 3 and 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वापस हमें एक्स प्लस एच मिल जाएगा। तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3x + 3h/3 आ जाएगा। तो एक्स प्लस एच को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, और एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह लिखेंगे एफ ऑफ 3x + 3h/3 माइनस एफ ऑफ एक्स, राइट? एंड डिवाइडेड बाई एच। तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों ही सेम है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि एफ ऑफ 3x + 3h/3 पर हम इस फंक्शनल इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये जो फॉर्म है हमारी वो इस तरीके की फॉर्म है, जहाँ पर एक्स जो होगा हमारा वो 3x से रिप्लेस हो जाएगा और वाई जो होगा वो हमारा 3h से रिप्लेस हो जाएगा, राइट?
तो अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 3x प्लस 3h ओवर 3 को अब हम लिख सकते हैं 2 प्लस f ऑफ x, तो f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह हम रख लेंगे 3x और y की जगह रख लेंगे 3h, तो यहाँ पर आ जाएगा f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3h डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये f ऑफ x आ जाएगा यहाँ पर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास h आ जाएगा, तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3h माइनस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाई 3h। तो इस तरीके से हमारे पास जो f का डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ x के लिए ये एक्सप्रेशन आ गया है, तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि ये जो क्वांटिटीज हैं 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3h माइनस 3 ऑफ f x, तो इस क्वांटिटी की जगह हम कोई दूसरा एक्सप्रेशन लिख सकें, तो दूसरा एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो फंक्शनल इक्वेशन हमें दे रखी है उस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास है f ऑफ x प्लस y ओवर 3 इज इक्वल टू 2 प्लस f ऑफ x प्लस f ऑफ y डिवाइडेड बाय 3, तो अब हम इस फंक्शनल इक्वेशन में ये जो x और y है उसको डिफरेंट वैल्यूज देकर कुछ नए एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं इस फंक्शनल इक्वेशन में, जैसे कि पहले हमने कहा कि जो फंक्शनल इक्वेशन है उनको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टेक्निक, तो वाई को हम 0 से रिप्लेस करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स ओवर 3, बिकॉज एक्स प्लस 0 इज एक्स, सो एफ ऑफ एक्स ओवर 3, और यहाँ मिल जाएगा 2 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3, तो हमने अब यहाँ पर क्या देखा कि y इज इक्वल टू 0 रखने पर हमें ये एक्सप्रेशन मिला है, और इस एक्सप्रेशन में f ऑफ x ओवर 3 है, और जबकि हम यहाँ पर जो हमारे पास ये लिमिट दे रखी है इस लिमिट में कहीं भी x ओवर 3 नहीं है, तो जैसा कि पहले हमने कहा कि जो फंक्शनल इक्वेशन है इनको सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, तो अब हम क्या करते हैं कि x को रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि x ओवर 3 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए, हमें चाहिए 3x, तो हम क्या करेंगे कि x को 3x से रिप्लेस कर देंगे, तो जैसे ही हम x को 3x से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3x ओवर 3 इज इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 3, तो अब 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 3 ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आ रही हैं ये कुछ कुछ सिमिलर हैं ये वाली टर्म्स के साथ, तो इसलिए हम ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं इनका यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया वाई 0 रखा, इस एक्सप्रेशन को ऑब्टेन किया, फिर एक्स को रिप्लेस किया 3x से और इस एक्सप्रेशन को हमने ऑब्टेन किया, तो अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ से कि एफ ऑफ जो 3 ऑफ 3 एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास है 2 प्लस एफ ऑफ 3x प्लस एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 3x को अब हम लिख सकते हैं 3 एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 0 माइनस 2, तो चलिए इसे एक्सप्रेशन नंबर 2 हम डिनोट कर लेते हैं, तो ये जो f ऑफ 3x हमारे पास आया है
इसकी वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, तो f प्राइम ऑफ x हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो 2 प्लस 3 f ऑफ x, f ऑफ 3x की जगह ये वैल्यू रखेंगे 3 f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 माइनस 2 प्लस f ऑफ 3h माइनस 3 टाइम्स f ऑफ x डिवाइडेड बाय 3h, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और 3 f ऑफ x और 3 f ऑफ x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा माइनस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 3h डिवाइडेड बाय 3h। सो नाउ वी कैन राइट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड वी हैव माइनस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 3h डिवाइडेड बाय 3h, राइट। और इस एक्सप्रेशन को हम डिनोट कर लेते हैं एक्सप्रेशन नंबर 3। तो व्यूअर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर कि हमें जो f प्राइम ऑफ x है उसके लिए ये एक्सप्रेशन मिल गया है, राइट। और यहाँ पर जब हम देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, राइट, f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू log ऑफ 2, राइट। तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? इस एक्सप्रेशन का मतलब यह है कि जब हम यहाँ पर x की वैल्यू 2 रखेंगे, f प्राइम ऑफ 2 करेंगे जब हम, तो हमें क्या मिल रहा है? log ऑफ 2 मिल रहा है, जो कि गिवन है हमें यहाँ। और log ऑफ 2 जो होगा वो एक रियल नंबर होगा, राइट। log ऑफ 2 एक रियल नंबर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिमिट हमें यहाँ पर दे रखी है f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 3h डिवाइडेड बाय 3h, ये एक रियल नंबर होगा, राइट। ये क्या होगा? एक रियल नंबर, ओके। तो जब हम इसे एक रियल नंबर मानेंगे तो f प्राइम ऑफ x क्या आ जाएगा? तो f प्राइम ऑफ x को हम लिख सकते हैं लैम्डा, वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर, राइट। तो क्या किया हमने यहाँ पर? f प्राइम ऑफ x के लिए हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया है जो कि एक लिमिट की फॉर्म में है, राइट। और f प्राइम ऑफ 2 हमें क्या दिया हुआ है? log 2। log 2 क्या है? एक रियल नंबर है। तो इट मींस जब हम इस लिमिट को इवैल्यूएट करेंगे तो हमें एक रियल नंबर मिलना चाहिए और उस रियल नंबर को हम लैम्डा ले रहे हैं, तो f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, जिसे हम एक्सप्रेशन नंबर 4 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें जो डेरिवेटिव है, f का जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज इक्वल टू अ रियल नंबर लैम्डा। तो चलिए अब हम इस f प्राइम ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं डी एफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लैम्डा, राइट। दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इज लैम्डा। तो अब ये क्या बन गई? एक डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है और अब हम इसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो हमें इंटीग्रेट कर देंगे हम दोनों तरफ, तो डी एफ ऑफ एक्स आ गया हमें और इधर आ जाएगा लैम्डा डी एक्स। तो इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें एफ ऑफ एक्स, यहाँ मिल जाएगा क्योंकि लैम्डा रियल नंबर है तो लैम्डा को हम बाहर ले सकते हैं इंटीग्रल से, और यहाँ पर हमें सी मिला, तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा हमारा लैम्डा एक्स प्लस सी। सो व्यूअर्स, वी हैव ऑब्टेन्ड द एक्सप्रेशन फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, राइट। और यही एम है फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने का, राइट। तो यहाँ पर हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी थी और हमें जो फंक्शन है उसकी फॉर्म को ऑब्टेन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया अब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स प्लस सी। और जब हम इस एक्सप्रेशन को देखते हैं तो हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो फंक्शन f है वो एक लीनियर फंक्शन है, राइट। इट इज़ अ लीनियर फंक्शन, दैट इज इट इज़ ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी,
right, where a and b are real numbers, and here we have lambda and c as the real numbers. तो अब हमें यहाँ जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो चलिए c को फाइंड आउट करते हैं. तो c को फाइंड आउट करने के लिए हमें बाउंड्री कंडीशंस का यूज करना पड़ेगा. बाउंड्री कंडीशंस, तो बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पर हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी. और हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख देते हैं, राइट. तो इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 रखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ 0 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स 0 प्लस c, राइट. तो f ऑफ 0 क्या आ जाएगा हमारा, c आ जाएगा. तो अब हमें c की वैल्यू जो है वो f ऑफ 0 है. तो f ऑफ 0 अब हमें कैसे मिलेगा, तो f ऑफ 0 को निकालने के लिए हम एक्सप्रेशन नंबर 2 पर जाएंगे, राइट. तो ये एक्सप्रेशन में हम x की वैल्यू 0 रखते हैं. तो हम 2 में इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, f ऑफ 0, बिकॉज 3 टाइम्स 0 इज 0, इज इक्वल टू 3 टाइम्स f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 माइनस 2, राइट. तो f ऑफ 0 आ जाएगा हमारा 3 f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 हो जाएगा 2 ऑफ f ऑफ 0 माइनस 2. इसे इस क्वांटिटी को इस तरफ ले जाएंगे तो f ऑफ 0 माइनस 2 ऑफ f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस 2. तो माइनस f ऑफ 0, बिकॉज ये 1 f ऑफ 0 है तो 1 माइनस 2 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 2. सो माइनस एंड माइनस गेट कैंसल्ड एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, राइट. तो फंक्शन की वैल्यू जो 0 पर है वो x इक्वल टू 0 पर 2 होगी, राइट. तो यहाँ पर अब c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, बिकॉज f ऑफ 0 इज इक्वल टू 2, राइट. और ये जो c की वैल्यू 2 है उसे हम यहाँ पर रखेंगे, राइट. तो f ऑफ x अब हमारे पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा लैम्डा x प्लस 2, राइट. ओके, सो व्यूअर्स, वी हैव ऑब्टेन्ड दिस एक्सप्रेशन फॉर f ऑफ x एंड लैम्डा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, राइट. बिकॉज हमने f प्राइम ऑफ x को किसके बराबर माना था, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा, राइट. एंड व्हेन x इज 2 वी हैव f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा एंड f प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू लॉग 2. सो लैम्डा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2, राइट. तो लैम्डा हमारे पास लॉग ऑफ 2 आ जाएगा तो यहां पर रख लेंगे. तो f ऑफ x आ जाएगा हमारा x log 2 प्लस 2, राइट. सो दिस इज द फाइनल फॉर्म ऑफ द फंक्शन f ऑफ x, राइट. बट इस प्रॉब्लम में हमें इस एक्सप्रेशन को लेके आना है, राइट. तो इस एक्सप्रेशन को लाने के लिए हम क्या करेंगे, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. तो चलिए लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं. तो हम लिख सकते हैं इसे f ऑफ x और इसे लिख सकते हैं log ऑफ 2 रेस टू x, राइट. बिकॉज इस x को हम यहाँ पावर में लेके जा सकते हैं और 2 को लिख सकते हैं हम log ऑफ e स्क्वायर, राइट. तो यहाँ पर हमने यूज किया n log m इज इक्वल टू log ऑफ m रेस टू n और 2 कैन बी रिटर्न एज log ऑफ e स्क्वायर बिकॉज दिस इज 2 log e एंड log e इज इक्वल टू 1, सो वी हैव 2, राइट. तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे log m प्लस log n इज इक्वल टू log ऑफ m टाइम्स n, राइट. तो इस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करेंगे तो m हो जाएगा हमारा 2 रेस टू x और n हो जाएगा हमारा e स्क्वायर. तो f ऑफ x आ जाएगा हमारा log ऑफ 2 रेस टू x टाइम्स e स्क्वायर, राइट. तो अब अगर हम दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें तो ये आ जाएगा e रेस टू f ऑफ x और यहाँ पर मिल जाएगा हमें 2 रेस टू x टाइम्स e स्क्वायर
एंड 2 raise to x कैन बी रिटर्न एज ई रेज टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर विच इज इक्वल टू ई रेज टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2, राइट। तो ई स्क्वायर को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये माइनस पावर में माइनस में आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन मिल गया ई रेज टू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 raise to x, राइट। सो दिस इज हाउ वी गेट दिस रिजल्ट, राइट। तो व्यूअर्स, इस तरीके से हम फंक्शनल इक्वेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके सॉल्व करते हैं।